साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए रीट परीक्षा लेवल वन और लेवल टू के लिए आज से जो अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, इसके अंदर आज पहला टॉपिक होने वाला है राजस्थान एक सामान्य परिचय और ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको 90 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मोहनोत नयन सी, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड और विलियम फ्रैंकलिन। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉर्ज थॉमस। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो राजपूताना का तो जॉर्ज थॉमस था और राजस्थान का कौन था? अबुल फजल, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड और विलियम फ्रैंकलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दो, कर्नल जेम्स टोड। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान, और जो जॉर्ज थॉमस था उन्होंने कहा था राजपूताना का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग रेड क्लिफ रेखा के रूप में है? तो 32.32%, 18.7%, 5.67% और 24.67%। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीन, 18.7%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चार, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुजरात। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच, राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का सही अवरोही क्रम है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तीसरा है कि जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और चौथा है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर तीन, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर छः, देखिए राजस्थान के लिए किस जिले का आकार राजस्थान के आकार से मिलता जुलता है? तो भरतपुर, टोंक, दौसा और अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोंक का। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई थी? मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो वापस पुनः प्रारंभ किसने की थी? तो हरिदेव जोशी ने। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये होता है सर्वप्रथम धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 जून को जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दो, बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर दस देखिए, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो कौन सा जिला है जो गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बांसवाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के किस जिले का आकार गिलहरी के आकार का है? तो अलवर, राजसमंद, जयपुर और भरतपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग आयताकार है? अलवर, जयपुर, राजसमंद और नागौर। तो कौन से जिले का जो आकार है लगभग आयताकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अलवर, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 4,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 6,720 किलोमीटर और 6,920 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सातवीं संभाग भरतपुर में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली और धौलपुर। जो सातवां संभाग बना था भरतपुर, तो इसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो राइट आंसर देगा यहाँ पर, अलवर जिला,
ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। कौन सा क्रम पूछा इन्होंने, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब बना था। तो 10 अप्रैल 1991, 13 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1982 और 15 अप्रैल 1984। तो राजस्थान का जो 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर। तो ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है। जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। तो पड़ोसी राज्य कितने हैं, 4, 6, 5 और 7। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 5। कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं। तो 4, 6, 2 और 1। तो देखिए क्या पूछा है कि कौन सा जिला, कितने जिले हैं जिसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों ही सीमा लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में होकर गुजरती है, 5, 1, 3 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 21 है, असंगत छांटिए। देखिए पहला दिया हुआ है कि 12, 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1991, करौली 19 जुलाई 1997 और धौलपुर 15 अप्रैल 1982। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए असंगत पूछा है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा, 12 जुलाई 1992। ठीक है, ये असंगत हैं, बाकी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। तो 23° 3' उत्तरी अक्षांश रेखा, 30° 12' उत्तरी अक्षांश रेखा, 24° उत्तरी अक्षांश रेखा और 27° उत्तरी अक्षांश रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 27° उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। बिजली शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बड़ली का शिलालेख और हर्षनाथ शिलालेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बसंतगढ़ शिलालेख, उसमें कौन सा मिलता है, राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में किस दिनांक को नो शेडो जोन बनता है, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 जून। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 23, 25, 24 या फिर 21। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस जिले की आकृति त्रिभुज के समान है, राजसमंद, अजमेर, डूंगरपुर और सीकर। तो त्रिभुज के समान किसकी है, सीकर जिले की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है, खैरपुर, संगर, मीरपुर और उमरकोट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीरपुर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से कोई एक सीमा बनाते हैं, कोई एक बनाते हैं, 25, 23, 24 या फिर 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 23, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों रेखाओं के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है, 91 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 130 है, राजस्थान इजराइल से लगभग कितने गुना बड़ा है, 16.5 गुना, 24 गुना, 3 गुना या फिर 9 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 16.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 31 है, 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे या फिर 4 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
बारह घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न नंबर 32 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले पर सूर्य की किरणें सबसे कम दृश्य पड़ती हैं, गंगानगर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डूंगरपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला है, जैसलमेर दौसा, जैसलमेर धौलपुर, जैसलमेर सिरोही और जयपुर और जैसलमेर। तो क्या पूछा है, सबसे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसके अंदर आ जाएगा सबसे बड़ा तो जाएगा जैसलमेर और छोटा जाएगा धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान के क्षेत्रफल व जनसंख्या में लगभग समान हिस्सेदारी रखता है, अजमेर, झालोर, टोंक और सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरोही। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया, परमेश चंद्र कमेटी, विनोद कमेटी, जी ए संधु कमेटी और एसपी सिंह सिंह कमेटी। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ में कौन सी तहसील शामिल नहीं है, अरनोद, धरियावाद, पिपलू खूट और बड़ी सादड़ी। तो राइट आंसर की जगह यहाँ पर बड़ी सादड़ी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कोटा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के पांच सबसे बड़े जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है, महेंद्रगढ़, भुज, सिरसा और फतेहाबाद। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर सिरसा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, दौसा, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, दौसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, राजसमंद, भीलवाड़ा, धौलपुर और कोटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 62 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 27 किलोमीटर और 58 किलोमीटर। तो कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर, तो देखिए उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक है, इसका देशांतर विस्तार 9 देशांतरों से अधिक है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका देशांतर विस्तार 9 देशांतरों से अधिक है। देखिए कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन क्या था पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं, तो नॉर्वे और पोलैंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12.66 गुना। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल निम्न में से लगभग किसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना है, तो 132,140 वर्ग मील, ठीक है, 132,140, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्ध चंद्राकार और प्याले जैसा है, तो ये हो जाएगा सीकर जिले का। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा उदयपुर। देखिए झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हैं, जो उदयपुर है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिरोही के बसंतगढ़ शिला लेख में राजस्थान के नाम से मिलते जुलते कौन से शब्द का उल्लेख है, तो यहाँ पर राजस्थान है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 52 है,
निम्न में से किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो मोहनलोत्नेर से जो ख्यात हैं जिसके अंदर मिलता है, ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है? तो ये हो जाएगी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय और राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में कितना अंतर रहता है? तो यहाँ पर रहता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त के जिले में होता है? तो कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों का उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम होगा? तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो पाकिस्तान के 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? तो पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसके अंदर जाएगा कराची, ठीक है, घोट की, उमरकोट और थारपारकर करता है, जो कराची है ये स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सभी जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 61 है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 38,401 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिलों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के मानचित्र पर निम्न में से कौन सा स्थान सुदूर उत्तर में है? तो यह हो जाएगा लूणकरणसर जो बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या लगभग यहाँ पर समान है? तो ये हो जाएगा जोधपुर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान के जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो जयपुर संभाग में यहाँ पर 5 जिले आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में शामिल नहीं है? तो जोधपुर के अंदर कौन सा नहीं है? देखिए सिरोही है, जालौर है, पाली है, नागौर इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, बागीदोरा, घाटोल और गढ़ी। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? कुशलगढ़, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित गांव है? तो उत्तरी दिशा में देखिए ये हो जाएगा कोणा गांव, ठीक है, उत्तरी दिशा में कौन सा है? कोणा गांव, जो गंगानगर में पड़ता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान को स्पर्श करता है? तो 32.19%, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान व हरियाणा कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 1262 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ में लगने वाली सीमा की लंबाई है? तो यहाँ पर हो जाएगी 877 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, जिलों के क्षेत्रफल का कौन सा युग्म असुमेलित है? तो देखिए जैसलमेर का 38,401, बीकानेर 30,247, बाड़मेर 28,387, ये तीनों सही है, और जोधपुर है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस जिले के भाग को प्रत्यक कर नया 12 जिले का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर किया गया था कोटा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस जिले के भाग को प्रत्यक करके नए राजसमंद जिले का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किस मुख्यमंत्री के समय
हुआ था, तो हीरालाल शास्त्री किसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया किसमें। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है, तो 26वां जिला है अजमेर। क्वेश्चन नंबर 78 है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब पुनः प्रारंभ की गई थी, तो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी केस में ये संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस जिले का आकार तिलक या टीके के समान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान के वे जिले जो भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे हुए हैं, तो अजमेर व चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान के भरतपुर दौसा अजमेर टोंक जिलों का पश्चिम से पूर्व दिशा के अनुसार सही सुव्यवस्थित युग्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा अजमेर टोंक दौसा व भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 के अंदर, भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग धनुषाकार है, तो यहाँ पर आ जाएगा दौसा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों जिनकी सीमा किसी पड़ोसी देश या राज्य से नहीं लगती हैं का युग्म कौन सा है, तो राइट आंसर है यहाँ पर जोधपुर नागौर पाली और राजसमंद ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85 है, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 86 है, 23° 30' उत्तरेक्षांश रेखा पर 70° पूर्व दशांत रेखाएं राजस्थान के क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं, तो राइट आंसर है बांसवाड़ा व जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग। क्वेश्चन नंबर 88 है, जोधपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा जोधपुर जिला, जोधपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो उदयपुर संभागीय आयुक्त को ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर है कोटा संभागीय आयुक्त। तो यहाँ पर आपको लगभग 90 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी का जो राइट आंसर है आपको बता दिया गया है, और ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ पर टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है, जो होशियार सिंह जी हैं दीनदयाल पब्लिकेशन के राइटर, ठीक है, तो इनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है ये, तो आप इनको ज़रूर देख के जाना एक बारी, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इससे पहले है वाली वीडियो में अपन ने जो मॉर्निंग की वीडियो थी, ठीक है, राजस्थान के लोक देवता, तो अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का आर्ट एंड जो कल्चर है दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर ले, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और जो जानकारी है वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।